देखो मैं यहाँ पर फाइवर ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर ऑन किया, अगर आपने कोई नहीं देख रहा तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है, वर्चुअल देखो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट गिग देख रहे हो, फर्स्ट गिग का मतलब फर्स्ट लिस्टिंग देख रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्टिंग में क्या है, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर वेब रिसर्च डेटा एंट्री, ये है ऑफरिंग रिलायबल शेड्यूलिंग एंड सपोर्ट। देखो अब ये कह रहे हैं कि ये $10 में अपनी सर्विस देंगे, जिसमें इनको क्या क्या चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट है, वेबसाइट के ऊपर मतलब इंटरनेट के ऊपर जाकर कोई चीज को रिसर्च करना हो उस चीज में, या फिर डेटा एंट्री का कोई काम करना हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग एक्सेल में, जैसे एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, तो वो पहले ही मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं एमएस एक्सेल का कुछ काम करूंगा, ठीक है। जैसे इन्होंने अपनी सर्विस में डेटा एंट्री दिखा रखा, टाइपिंग का कुछ काम करना, वेबसाइट रिसर्च, कॉपी पेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ग्राफिक कोड्स डिजाइन, ई कॉमर्स, स्टोर सपोर्ट, मतलब जो जो भी इनकी स्किल्स हैं उसमें आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज में वो चाह रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो एक मतलब अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और जैसे अभी मैं बताऊं इसमें एडवोकेट सर्च करूं, देखो आई विल बी योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड ऑडिट एडवोकेट, ठीक है। इसमें भी देखो काफी सारी आपको सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। और ऐसी देखो मैं आपको कुछ ऐसी सर्विसेज बताऊंगा जिसमें आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ना वेबसाइट की जरूरत है ना उस चीज की जरूरत है, ठीक है। मैं आपको देखो कुछ तो चीजें मैं दिखाता आपके हूँ बीच में इंटरप्ट करूं प्लीज। जी, प्लीज। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वी आर नॉट बाउंड कि इसी टाइम पे इतना ही वो करना है। जैसे ये वाली जो चीज आप बता रहे हो, ये मैं आई केम अक्रॉस समथिंग कि कुछ कंपनीज ऐसे भी देती हैं कि हिंदी को इंग्लिश में करना है या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो उससे भी मनी बन सकता है ऑनलाइन, है ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको अगले स्टेप में वही बताने वाला था जो अभी आपने पूछा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फ्रीलैंसिंग का कंसेप्ट क्लियर करूँ। फ्रीलैंसिंग का मतलब ही ये होता है जो आपने पूछा, कि आप बाउंड नहीं हो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड टाइम में एक चीज को करने के लिए, ठीक है। जिसमें कि फ्रीलैंसिंग में मोस्टली माइक्रो जॉब्स असाइन की जाती हैं, ठीक है। देखो एक पर्सन, आपने क्या किया, फाइवर में अपने आप को एज ए सेलर मतलब एज ए फ्रीलैंसर इंट्रोड्यूस किया, अपने आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, आपने अपना सभी जितना भी आप बैकग्राउंड बता सकते थे आपने उसमें बताया, फिर आपने एक लिस्टिंग बना दी। लिस्टिंग का मतलब जिसको कि फाइवर अपने लैंग्वेज में गिग बोलता है, GIG, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने, ये जो एक पर्सन है जो इनका यूजर नेम आप देख रहे हो LARRA, जो भी मतलब इनका है, ठीक है। अब इनका कहना है कि आई विल प्रोफेशनली ट्रांसलेट इन जर्मन, सॉरी स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। अब इनकी प्रोफाइल देखिए, इनकी प्रोफाइल में इन्होंने पहले ही दे दिया यहाँ पर दिस पैकेज इंक्लूड 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगी। और ये क्या कह रही है कि मैं 2000 वर्ड्स तक जा सकती हूँ, 500 वर्ड को ट्रांसलेट करने के $10 हैं। और जैसे ही आप इसमें कंटिन्यू पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि इनकी जो डिलीवरी टाइम है, देखो ये रहा, 500 वर्ड्स को डिलीवर करने के लिए 2 डेज ये ले रही है। आपको पता है कि आप बिजी हो, आपको नहीं टाइम मिलेगा, तो आप इसको पहले 10 डेज कर दो, ठीक है। जिनका ये फुल टाइम बिजनेस है वो उसको 1 डे करके रखते हैं या 2 डे करके रख रहे हैं। जिनका ये पार्ट टाइम है फाइबर या कुछ भी फ्रीलांसिंग, वो बहुत कम टाइम मतलब वो थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ डेज करके रखते हैं। फिर जैसे देखो इन्होंने क्या किया कि मैं 500 वर्ड्स को ट्रांसलेट करूंगी, बट अगर मेरी वही 500 वर्ड्स आपको प्रायोरिटी पर ट्रांसलेशन चाहिए तो $20 और एक्स्ट्रा लगे। तो मान लो मैंने ऐसे किया, इसका प्राइस देखो $30 हो गया। अब फिर मेरे को देखना है, यानी सेलर को देखना है जो यहाँ पर अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि क्या वो $30 में 500 वर्ड्स को करना है तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये चीज बहुत इजी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी का मिलेगा, ठीक है, जस्ट ए मिनट। आई विल ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू या मराठी। अब सपोज कीजिए आप बाकी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल नहीं, आप इंग्लिश टू हिंदी में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो जिन्होंने प्रोफाइल बनाई हुई है MTech SOL 01, ये सिर्फ 300 वर्ड्स को कर रहे हैं। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि देखो $10 जो ले रहे हैं वो कितने देर का काम है, ठीक है। मैं एक बहुत छोटा सा कर रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट, मैं कोई भी एक आर्टिकल उठा रहा हूँ इंटरनेट से, मतलब मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने एक आर्टिकल उठा लिया, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन 2022, ठीक है। अब देखो
अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन किया, ठीक है, या कुछ भी, एक मिनट, अपने कुछ बहुत ही सिंपल सा उठाते हैं, बेनिफिट्स ऑफ आंवला पाउडर, ठीक है, इसी को उठा रहे थे अपने, मतलब एक बेसिक सा मैं आर्टिकल उठा रहा हूँ, ठीक है, आंवला पाउडर बेनिफिट्स को मैंने कॉपी की यहाँ से पेस्ट कर दिए। और ये सेम चीज जो मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस चीज के थ्रू मैं आपको दिखा बताऊंगा कि इससे हम मतलब एक फुल टाइम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल लेमैन की तरह, मतलब विद जीरो क्रिएटिविटी, जस्ट एक कॉपी पेस्ट टाइप का हुआ। देखो अभी अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आंवला बेनिफिट्स, 8 रीजंस टू ईट आंवला एवरीडे, ठीक है, रोजाना आंवला खाने के 8 कारण, ठीक है, अब आपको लगता है कि कारण सही नहीं है तो आप सिर्फ एक वर्ड को चेंज कर सकते हैं, और वर्ड को अब आपको चेंज भी नहीं करना आता तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, राइट हिंदी एक वर्ड सर्च कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक अलंकार लगाना है, 8 अद्भुत कारण, ठीक है, तो आपको वो नहीं लिखना आता तो आप क्या कर सकते हैं, ADBHUT, अद्भुत आ गया, समझ गए, इसको अब आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर बीच में पेस्ट कर देंगे, मतलब कि आपने जो ट्रांसलेशन की वो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से की, लेकिन कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीजें थी आपने चेंज कर दी, ताकि जो आपको लगता है, यानी करेक्शंस कर दी, प्रूफ रीड कर दिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर 300 वर्ड्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, और वो उसमें आपको ना वेबसाइट बनाने की जरूरत है, ना आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसे चैनल की जरूरत है, होप दैट मेक सेंस, ठीक है, ऐसी चीजें, इसको हम फ्रीलांसिंग मतलब के नाम से जान रहे हैं। देखो अब आई विल प्रोफेशनली डू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, अब इन्होंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की सिर्फ मतलब गिग बना रखी है, 500 वर्ड्स ही करके देंगी, ठीक है, और वाइस वर्सा भी कर रही है, ठीक है, प्रीमियम में देखो 5000 वर्ड्स को कर रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये टर्की में इन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और ये इन्होंने सारी चीज बता दिया, डबल प्रूफ रीडिंग, अनलिमिटेड रिविजन्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, मतलब सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि एक एक ही सर्विस में, फिर ऐसा नहीं कि एक सेलर एक ही सर्विस बना सकता है, अप टू 7 सर्विसेज ये बना सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप का मतलब बिगिनर अकाउंट होगा 5 ईयर के अंदर, खैर ये तो अभी लेवल 2 पे हैं तो काफी सारी सर्विसेज बना सकते हैं, जिसको ये लोग गिग बोलते हैं, अभी इनको पंजाबी भी आती तो मतलब पंजाबी ट्रांसलेशन के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि पंजाबी ट्रांसलेशन के ऊपर भी, इनके ऊपर देखो 31 रिव्यूज आए हुए हैं, तो 31 रिव्यूज का मतलब है कि आप मान के चलिए कि 25% लोग ही होंगे जो रिव्यू देते हैं, बाकी सब मतलब इनके पास एटलीस्ट मल्टीप्लाई पे 4 कर लीजिए इतने ऑर्डर आ चुके हैं जब भी इन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाया, ये गिग बनाई। हाँ जी आगे बताइए। देखो सर, ये लेवल 2 सेलर का क्या मतलब है? लेवल का क्या मतलब है? ये जो लेवल का मतलब, ये तो एक्चुअली फाइवर के टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि अगर उसके सेलर के पास में 1 महीने में इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं तो वो लेवल 1 पे जाएगा, फिर इतने नंबर ऑफ ऑर्डर सक्सीड हो जाए तो लेवल 2 पे जाएगा, बस उनको ओके थोड़ी थोड़ी ओके एडिशनल फंक्शनलिटी देते रहते हैं, जैसे एक बिगिनर है वो सिर्फ 7 सर्विसेज बना सकता है, फिर लेवल 1 वाला है वो कंपैरेटिवली ज्यादा सर्विस बना पाएगा, लेवल 2 वाला है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा सर्विस बना पाएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको ज्यादा दे देते होंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि ये लेवल 2 पे है तो इन्होंने काफी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये थोड़े ट्रस्टेड सेलर हैं, ठीक है, इनको इजिली दिया जा सकता है एक ऑर्डर, मतलब वही है कि एक बिगिनर को ऑर्डर देना और एक ट्रस्टेड पर्सन को ऑर्डर देने में लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कंपैरेटिवली, बट ऐसा नहीं कि ट्रस्ट बिगिनर है तो उसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं आते, क्योंकि जो भी लेवल 2 पे पहुंचे वो कभी ना कभी तो बिगिनर थे। इसमें जैसे आप डॉक्टर की सर्विस देनी है मान लो, तो भी देखो, आई विल बी योर मेडिकल डॉक्टर, वीडियो स्पोक्स पर्सन, मेडिकल स्कब, आई विल राइट ऑथेंटिक मेडिकल कंटेंट एज आई एम ए डॉक्टर। देखो अभी अगर आप नॉर्मल आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देखेंगे तो वो $5 से $10 पे शुरू, 5 to 10 डॉलर से शुरू हो जाती हैं, इसमें इन्होंने $30 लिए हैं, कितने वर्ड्स के, 500 वर्ड्स के, ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो कंटेंट होगा वो एक नॉर्मल राइटर नहीं लिख पाएगा, अभी 1500 वर्ड लिखने तो $90 ये चार्ज करने, ठीक है, कस्टमाइज एज पर योर डिमांड, तो ये वो चीजें हैं कि जो कर सकते हैं, बट ठीक है आपको, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ में ये समझ के चलना है कि फ्रीलैंसिंग एक जॉब की तरह है, एक बिजनेस की तरह नहीं है, ठीक है, अभी आपने प्रोफाइल बनाई, ऑर्डर हो सकता है आपको एकदम से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन आज आपके पास में बहुत ज्यादा ऑर्डर भी आ रहे हैं तो विद टाइम हो सकता है वो 0 पे पहुंच जाए,
तो आपको इससे उतनी ही होप लगा के चलनी है जितने की अगर इसमें ऑर्डर जीरो आ जाए, तो तब तक के लिए आप एक बैकअप प्लान स्टार्ट कर लें। बैकअप प्लान के लिए आपको बिजनेस में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं तो आपके पास में कोई रिलायबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर काम की, ये चीजें आपको समझनी है जो मेन है। हाँ जी, नेक्स्ट दिनेश, आगे कुछ है, आगे बढ़े अपने। सर बढ़ो आगे, बस हाँ, इतना शिखा आपको कुछ क्वेरी? करना। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, और भी जो भी पर्सन हैं उनको कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो नेम शो हो रहे हैं मैं किसी से इतना ज्यादा वो नहीं। चलो अभी अपने आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सबसे पहला स्टेप होता है, जो हमने कल मॉड्यूल्स पढ़े थे उसके अंदर अपने कुछ मॉड्यूल्स को मैं डिस्कस करता हूँ। 1 मिनट, देखो टॉपिक या कीवर्ड रिसर्च से आप काफी हद तक समझ गए होंगे। शिखा, आप कुछ समझ पाए थे टॉपिक या कीवर्ड रिसर्च से? एकदम से ध्यान नहीं आ रहा सर, आप थोड़ा सा बोलो। ओके, कोई बात नहीं। देखो जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मतलब पेज बनाते हैं या कहें कि अपना चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर हमने प्लेटफॉर्म एज ए यूट्यूब सेलेक्ट किया है तो हम उसके ऊपर एक अपना चैनल बना रहे हैं। अगर हमने इंस्टाग्राम को सेलेक्ट किया एज ए प्लेटफॉर्म जिसपे हम वर्क करेंगे तो हमने एक इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है, चैनल बनाया। अगर हमने फेसबुक चूज किया तो हमने या तो ग्रुप बनाया या पेज बनाया। ट्विटर यूज किया, ट्विटर को चूज किया तो ट्विटर हैंडल बनाया। ठीक है, और अगर हमने वेबसाइट चूज की, ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्लीट एक लैंडिंग पेज बनाया, एक टारगेट सेट किया। उसके बाद में हमारे टारगेट सेट करने के बाद में, या फिर ये कहें कि उससे भी पहले हमें क्या करना होता है, एक टॉपिक या कीवर्ड की रिसर्च करनी है। टॉपिक रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च, ये जो चीजें रहेंगी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक रिसर्च है वो तो हम बिल्कुल बिगनिंग में कर लेंगे, और जो कीवर्ड रिसर्च है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी साइट जब तक लाइव रहेगी ये वाला पार्ट कंटिन्यूअस रहेगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सपोज मैंने एक साइट शुरू करनी है, उस साइट का मैंने मेन टॉपिक क्या रखना है, अगर हेल्थ रखना है या गेमिंग रखना है या टेक्नोलॉजी रखना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही वाइड टॉपिक हुआ, फिर मैं इसका सब टॉपिक ढूंढूंगा कि सब टॉपिक मेरे को क्या रखना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें वो टॉपिक चूज किस तरीके से करना है, ठीक है, फिर वो टॉपिक को चूज कर लिया हमने, फिर हमने उसके अंदर जो सब सब कैटेगरी में जाके अंदर 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 जाके बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीजों में घुसना, तो हमें फिर आके कीवर्ड ढूंढना होगा। मेरी प्रायोरिटी और सजेशन ये रहता है कि आप वो टॉपिक चूज कीजिए जिसमें आप पैशनेट हो, जिसमें आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करना या रीड करना आपको अच्छा लगता है। डजंट मैटर कि उससे आपको कितनी अर्निंग होगी, बिकॉज जिस चीज में आप पैशनेट हो उस चीज में आप लोगों की हेल्प करने में भी बहुत इंटरेस्टेड रहोगे। लोगों ने आपके ब्लॉग के ऊपर आके कमेंट किए, आप उन कमेंट्स का रिप्लाई करने में आपको खुशी होगी। जब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो कमेंट्स का रिप्लाई करके, लोग आपके ऊपर धीरे 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 करके ट्रस्ट गेन होगा लोगों का। जैसे वो ट्रस्ट गेन होगा तो आप कुछ एक कम्युनिटी के लिए, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप एक आइडियल पर्सन बन जाएंगे, फिर आप जो चीज बोलेंगे लोग वो चीज बाय करेंगे। ठीक है, नो मैटर कि आप वो जो चीज बोल रहे हैं वो अभी चाहे लॉन्च हुई है चाहे बहुत पुरानी है, ठीक है, मतलब कि घूम फिर का आपको स्ट्रेटेजी अपनी क्या रखनी है, फर्स्ट लोगों की एंगेजमेंट और हेल्पिंग अदर, फिर धीरे 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 करके वही चीज आपको इन टर्म्स ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी और सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ मूव करेगी। अगर आपने पहले ही मनी वाला पार्ट रख लिया तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ में ये बिल्कुल नहीं ध्यान मतलब भूलना कि हमने अगर इसी से मनी भी अर्न करनी है तो हमें कुछ ऐसे रीजंस देने होंगे जो कि लोगों को फायदा करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो सबके लिए सजेस्ट करूंगा, आप अपना अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल में आप हैं, आप एक फेसबुक पेज बनाइए। फेसबुक पेज मतलब देखो अभी तक हमारा पास्ट में क्या होता है कि एक नॉर्मल यूजर का वो क्या करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया पे साइन अप करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जनरली वो क्या करते हैं कि अपनी मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए वो प्रोफाइल बनाते हैं या आईडी बनाते हैं। बट हमें अभी क्या करना है, लोगों को अवेयर करने के लिए और एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए करना है, ठीक है। अब जनरली हमने क्या किया, अभी तक जितने भी यूज किया उसमें सिर्फ हमने अपना फायदा देखा, अभी हमें एक चीज चलानी है, एक पेज बनाना है जिसमें हम लोगों को फायदा देख रहे हैं। तो मैंने कोरा के ऊपर सबके सबको रिक्वेस्ट की थी कि हाँ जी, कोरा में आपने आप सबने अकाउंट बनाया क्या? शिखा, आपने कोरा यूज यस करना शुरू किया?
नहीं सर अभी तो नहीं किया। देखो कोरा पे आप यूज करेंगे ना, आप अपनी अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही ना आप उसके ऊपर थोड़ा साइन अप कीजिए। आप कहो तो मैं अभी आपको इस लेक्चर में ना मैं कोरा को इंट्रोड्यूस करता हूँ, और आपको थोड़ा सा पता लगे कि कोरा कैसा प्लेटफॉर्म है। देखो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक बार यूट्यूब के ऊपर आप आइए, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा टर्म सर्च करता हूँ, मेक मनी। सर ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप पहले वापस रीज्वाइन करवा लीजिए। प्लीज, हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं वही कर रहा हूँ।